बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एंड कुकिंग क्राफ्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूअर्स, मेरे एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि 3 मंथ से जो ऊपर के बेबी हैं उनके वेट गेन के लिए कुछ रेसिपी बताएं। व्यूअर्स, मैं आज उनके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है, साबूदाना वाटर। व्यूअर्स, आप बच्चों को देना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला बच्चों का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ साथ व्यूअर्स, हम साबूदाने के फ़ायदे के मुतल्लिक भी कुछ जान लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मैं आपको बताते चलूँ, साबूदाना में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन, फोलिक एसिड वाफर मकदार में मौजूद होते हैं, जो बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, जो बच्चे वीक हैं, कमज़ोर हैं, आप साबूदाने को मुख्तलिफ फॉर्म में उन्हें रेसिपी बना कर दें, उनका वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि व्यूअर्स, साबूदाना खीर होगी, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वाटर, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही बच्चे गोल मटोल होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, साबूदाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। साथ साथ व्यूअर्स, ये छोटे, बड़े, बुज़ुर्ग सबको लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, जिनको जोड़ों का मसला है, पेट में गैस होती है, बदहजमी का मसला है, आप भी साबूदाना का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला पेट के जो तमाम मसाइल है वो बहुत ही जल्दी हल हो जाएंगे। व्यूअर्स, साबूदाने के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं सारे फ़ायदे बताना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए व्यूअर्स, हम क्या करते हैं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, 3 टेबलस्पून मैंने साबूदाना लिया है, इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ कर लिया है। व्यूअर्स, आप एक साफ़ कपड़ा लेकर इसको, साबूदाने को साफ़ कर लें ताकि डस्ट इसकी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। साथ क्या करेंगे व्यूअर्स, एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर हम साबूदाने को डाल देंगे। 3 टेबलस्पून साबूदाना ले लिया मैंने, उसको ग्राइंडर जार में डालकर एक फाइन पाउडर इसका तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जार के अंदर मैंने डाल के इसको बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक फाइन पाउडर हम रेडी कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ, जो हामला औरतें हैं उनके लिए भी साबूदाना बहुत ही अच्छा है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने साबूदाने का जो पाउडर है वो रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे व्यूअर्स, हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर एक गिलास हम पानी डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जो पानी है हमने पैन के अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर साबूदाना जो पाउडर हमने रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, जो 3 मंथ से ऊपर के बेबी हैं, आप उनको ये साबूदाना वाटर बना कर दें, इंशाल्लाह चला चंद हफ्तों में ही उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, अब हमने पैन को चूल्हे के ऊपर रख लिया है, मुसलसल चम्मच को हिलाते हमने इसको पकाना है। अगर हम व्यूअर्स चम्मच को नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा, इसलिए हमने मुसलसल चम्मच को हिलाते इसको पकाना है। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है, जो 3 मंथ से ऊपर के बेबी हैं आप उनको ये ज़रूर बना कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, ये देखें, हमने इस तरीके से इसको चम्मच को हिलाते हुए बनाते जाना है। आई होप व्यूअर्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। ये देखें व्यूअर्स, साबूदाना वाटर हमारा रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।